जो बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, जहां बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। सीएम सोरेन को बताया है सोरेन परिवार का एक्सीडेंटल राजकुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के निशाने पर हेमंत सोरेन ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को सोरेन परिवार का एक्सीडेंटल राजकुमार करार दिया है। केंद्रीय एजेंसियां जांच नहीं करती तो और भ्रष्टाचार होता, ये आरोप भी बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर लगाया है, मुखिया हेमंत सोरेन पर लगा रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और सोरेन परिवार का एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन को बताया है। साथ ही ये भी कहा, झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अगर कार्रवाई नहीं करती, जांच पड़ताल नहीं करती तो और भ्रष्टाचार होता। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि कभी कभी सोचता हूं कि अगर महज केंद्रीय एजेंसियों ने झारखंड में करप्शन का कचरा साफ नहीं किया होता तो सोरेन परिवार के ये एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन राज्य की और कितनी बर्बादी और बदनामी करवाता। दुर्गा सोरेन जी की असामयिक मौत नहीं हुई होती तो आज सोरेन परिवार का उत्तराधिकारी कौन होता? क्या दुर्गा जी के जीवित रहते शिबू सोरेन अपनी विरासत हेमंत जैसे अयोग्य अहंकारी तानाशाह के हाथ में सौंपने के बारे में सपने में भी सोचते, जिसने झारखंड को नरक बना के रख दिया? जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री जी जुड़े हुए हैं। तनुज जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी जी तनुज जी, बाबूलाल मरांडी का ये ट्वीट आपने भी देखा होगा, सीएम सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियां अगर कार्रवाई नहीं करती तो हेमंत सरकार भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देती, इस तरह के गंभीर आरोप, क्या कहेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी की जो राजनीतिक स्थिति है झारखंड के अंदर में, उनको झारखंड की जनता ने नकार दिया और आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से उनको नकार करके रखा है। इस तरीके इसलिए वो कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। तो उनका व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं रह गया झारखंड के अंदर में, ना पार्टी के अंदर में, इसलिए इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें वो ट्वीट के माध्यम से करते रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक डर सताता है कि जब तक झारखंड में हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं जी, उसमें बाबूलाल मरांडी जी की राजनीतिक जमीन जो है अब वो खत्म हो चुकी है। तनुज जी, आप बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक जमीन के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अपने ट्वीट में तो उन्होंने दुर्गा सोरेन का जिक्र किया है, उनके असामयिक मौत का जिक्र किया है और एक्सीडेंटल सीएम करार दिया है, उत्तराधिकारी शिबू सोरेन का इन्हें बताया है। देखिए, ये झारखंड की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चुनने का काम किया है। आप इस जब इतने लो स्तर की बात जब एक नेता कर रहा है तो इससे साफ है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप सरना धर्म कोड पर चुप हो जाते हैं बाबूलाल जी, आप स्थानीय नीति पर चुप हो जाते हैं, आपने पानी पी पी कर अपने रघुवर दास के कार्यकाल को गालियां देने का काम किया था, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया था, लेकिन आप उसी भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए और आज आपकी राजनीतिक जमीन सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार को गाली दे करके आप चाह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, तो ये एक नामुमकिन प्रयास है उनका। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल धन्यवाद तनुज जी अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके हेमंत सोरेन को सोरेन परिवार का एक्सीडेंटल राजकुमार करार दिया और इस पर अब पलटवार जेएमएम नेताओं